तो मैं सारी तरह की एंकरिंग करता था कोई ऐसी मेरी स्पेशलाइजेशन तो थी नहीं तो मेरे एक बॉस ने मुझसे कहा कि तुम्हारी क्या स्पेशलाइजेशन है मैंने कहा सर मैं तो सब कर लेता हूँ <laughs> भाई सब तो कर लेते हो किसी चीज़ में मास्टरी तो होगी मैं सर सब में मास्टरी है अपनी <laughs> तो उन्होंने कहा कि गुरु ऐसा सुनो आगे नहीं चल पाओगे इससे कहीं मास्टरी बनानी होगी मैंने कहा सर किस में बनेगी बोले क्रिकेट में बनाओ मैंने क्रिकेट का सीन ही देखा था तब तक मैं तो अपने घर के बाहर क्रिकेट नहीं खेली थी आज तक की बॉल तेज लग जाती थी तो मैं घर के अंदर वाली क्रिकेट खेलता था केवल अपने भाई के साथ जितनी खेली थी तो मुझे लगा क्रिकेट पे एंकरिंग करना मैंने कहा यार अच्छा चलो मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं अभी उन्होंने मुझे ऑफर दिया ही था उसके दो दिन बाद अचानक से मेरे पास कॉल आया कि आज शाम को तुम्हें क्रिकेट का शो करना कपिल देव के साथ कपिल देव वॉज द गेस्ट अब उससे बड़ा तो आदमी था नहीं उस वक्त हिंदुस्तान के क्रिकेट में कपिल देव से कपिल देव के साथ बैठ के क्रिकेट का शो करना ऐसे आदमी हो जिसको क्रिकेट का सीन ही आता हो वो क्या करेगा मुझे लगा आज तो हो गया नौकरी ख़त्म आज ये आधे घंटे के शो के बाद तुझसे बुला कहेंगे भैया ऐसा कुछ ना आता तुमको तुम अपना वहीं करो पर देख भी चाह रहे वेटिंग करो तो मैं कैंटीन से खाना खा के निकल रहा था अखबार एक उड़ता हुआ आया पैर के पास पड़ा मैंने उसे पाँव मारा तो वो उड़ के मेरे ऊपर ही आ गया किसी ने ब्रेड पकौड़ा खाने के बाद फेंका होगा तो उस पर रवि शास्त्री का कॉलम था कायदे से दो तीन दिन पुराना ही अखबार था और सबसे अच्छी बात हिंदी में था तो वहां कैंटीन से न्यूज रूम तक जाते जाते मैंने पूरा पढ़ लिया और पूरा पढ़ने के बाद मुझे लगा अच्छा तो मुझे काफी कुछ पता है क्रिकेट के बारे में इस पर तो मैं कर सकता हूँ तो शाम का आधे घंटे का जो क्रिकेट का शो था मैंने वो पाजी के साथ बैठ के किया जितनी बातें कपिल दे उसमें रवि शास्त्री ने लिखी थी वो सारी पेल दी मैंने उसके अंदर और जब शो खत्म हुआ तो उन्होंने मेरे से कहा कि तू क्यों नहीं करता क्रिकेट तुझे तो अच्छा खासा ज्ञान है क्रिकेट का मैं अब उनसे क्या बोलता मैंने कहा मैंने कहा सर मैं क्या बोलूँ इसमें आप बोलो इन लोगों से आप बोलोगे तो हो सकता है ये मेरे से करवा लें मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है करने में तो बाहर निकलते हैं उन्होंने मेरे बॉस से कहा यार तू एस मुंडे ने कराया करना इसको बड़ा आता है क्रिकेट का यार तेरे बाकी लोग तो मेरे से ही पूछते रहते हैं क्या पूछना है तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कप्तान आपकी पैरवी कर रहा है वहाँ पे खड़े होकर और आप सोच रहे हो कि यार मैंने गलत किया या सही किया मेरे बॉस ने साथ ही बोल दिया हाँ सर कल से इसी से करा देते हैं सुन तू ही कर लेना कल से तो अब मुझे लगा भाई अब तू फंस गया बट मैंने घर जाते ही क्या कहा मैंने घर जाते ही सारे पुराने अखबार निकाले जो पांच सात दस दिन के पड़े थे सब में रवि शास्त्री के कॉलम काट काट के काट काट के इधर रख लिए बेड साइड पर अपने कि जब मौका मिले सोते जागते उठते बैठते टॉयलेट जाते नहाते खाते नाश्ता करते बस वही पढ़ लो रवि शास्त्री का कॉलम पढ़ लो रवि शास्त्री का कॉलम पढ़ लो शास्त्री का कॉलम पढ़ लो फिर अपने एक दोस्त को बिठाया मैंने कहा भाई तू मेरे को समझा दे ये थर्ड मैन क्या होता है स्लिप क्या होती है कवर क्या होता है गली क्या होती है मिडफील्ड क्या, क्या होता है ऑन फील्ड क्या होता है ऑफ साइड क्या होती है वाइड क्या होती है ये सारी चीज़ें तो मुझे समझा दे उसने बाकायदे ग्राउंड बना के कागज पे सब चीज़ें मुझे समझाई सिखाई और ये बात केवल उसको और मुझे ही पता थी कि जो आदमी टीवी पे रोज क्रिकेट का शो कर रहा है उसे ग्राउंड आज सिखा रहे हैं हम लोग कि कैसा होता है पर मैंने वहाँ पे हौसला नहीं छोड़ा वो रवि शास्त्री के कॉलम पढ़ पढ़ के ही दो दिन चार दिन छः दिन सात दिन आठ दिन दस दिन मैंने आठ साल क्रिकेट के शोज किए वर्ल्ड कप क्रिकेट कवर किया दुनिया भर के देश घूम लिए क्रिकेट के जहाँ जहाँ क्रिकेट मैच होते थे वहाँ कवर करने जाता था और आपको यकीन बताऊँ पहली बार जब मुझे सड़क पर किसी ने आके रोका मैं कॉमजम रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था रात में निज़ामुद्दीन पे तब नया ना खुला था बहुत क्रेज रहता था उसका बहुत भीड़ होती थी वहाँ तब उसकी इमेज इतनी खराब नहीं थी जितनी आज खराब है लोग परिवार के साथ भी आते थे तो मैं गया वहाँ पे बैठा हुआ था मैं अपने दोस्तों के साथ दो तीन तो तीन लड़के आए आपकी एज के मेरे पास बीस बाईस साल के भैया आप रोहित सरदाना हैं मैंने कहा हाँ बताइए आप जी न्यूज़ पर क्रिकेट वाला प्रोग्राम करते हैं ना मैंने कहा ये अपना क्रिकेट का शो करना सक्सेसफुल हो गया आज पहली बार किसी ने जो है बाहर आके पहचान लिया है कि ये आदमी भैया जो टीवी पे आता है आप सोचो मैं जब अपने घर से निकला था तो मैं ये थॉट लेके निकला था कि भाई आप जब बाहर निकलो तो लोगों को आपको पहचानना चाहिए तब वो 2006 में जाके 2007 में जाके मुझे लगा 2008 में जाके कि हाँ भाई अब उस दिशा में आपने बढ़ना शुरू कर दिया अगर मैं पहले दिन उससे कह देता कि सर मेरा तो क्रिकेट में कोई ऐसा है नहीं इंटरेस्ट मैंने कभी जीवन में क्रिकेट खेली नहीं जैसा हम आमतौर पर करते हैं कोई अपॉर्चुनिटी आती है हम उसको अपने उस पर टेस्ट करते हैं कि भाई हम इसके साथ कितने कंफर्टेबल हैं और हम फाइनली उसको डिनाई या एक्सेप्ट कर लेते हैं वहाँ पे आने के बाद वहाँ क्या होता है वो अपॉर्चुनिटी जब हमारे हाथ से चली जाती है फिर हम बैठ के रोते हैं कि यार मौका आया था चला गया किसी और को मिल जाता है वो उसको एक्वायर कर लेता है वो उस पर अपनी अचीवमेंट्स गेन करता है और फिर आपसे आगे बढ़ जाता है आप वहीं के वहीं खड़े हुए देखते रह जाते हो आप बाद में कहते हो जैसे वो शाहरुख वाली फिल्म थी चक दे तो बाद में कई हीरोज़ कह रहे थे वहाँ वो मुझे रोल ऑफर हुआ था मैं उस वक्त कर नहीं पाया क्योंकि मैं बिजी था भाई शाहरुख खान ने कर लिया और चक दे इतिहास बन गई है ना दंगल आमिर खान ने कर लिया वो इतिहास बन गई ऐसी कितनी ही फिल्में आपको मिलेंगी जहाँ पे एक हीरो कर लेता है वो इतिहास बना देता है और बाकी के लोग बाद में आके कह रहे होते हैं एक्चुअली ऑफर तो मुझे ही की गई थी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था भाई तब तेरे पास टाइम नहीं था अब तेरा टाइम खराब हो गया इसी वजह से सो so, आप लोगों को मेरा ये सुझाव है कि जीवन में जब भी कोई ऐसा मौका आता है कोई अपॉर्चुनिटी आती है कोई ऐसी चीज आती है जहां पे आप हो सकता है उस समय उसके मास्टर नहीं भी हो उसको डिनाय मत करो उसको धक्का मत मारो उसको लात मत मारो उसको पकड़ो अपने आप को जज करो अगर आज की तारीख में कहीं आपको लग रहा है कि आपके पास थोड़ी सी भी पॉसिबिलिटी है कि आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो अपने आप को थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो उसको करना चाहिए उसको छोड़ नहीं देना चाहिए क्योंकि जब आप छोड़ दोगे तो वो किसी और के लिए हो जाएगी और जब वो किसी और के लिए हो जाएगी तो आपका कॉम्पिटिशन आपसे वहाँ से आगे निकल जाएगा आप उससे पीछे रह जाओगे तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही आज ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारे मौका मौके आते हैं जीवन में जहाँ हम बहुत छोटी छोटी बातों से कि अच्छा इसने ऐसा कह दिया उसने वैसा कह दिया इसने तो मेरे मन का नहीं कहा मेरी मम्मी ने ऐसा बोल दिया मेरे पापा ने ऐसा हम उन चीज़ों को जाने देते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं तो पछताने से बजाय बेहतर है उस समय उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेना उस चैलेंज को फेस करना उस चैलेंज को टैकल करना और एक विनर की तरह आगे बढ़ जाना जब आप एक छोटे से चैलेंज से भी जीत के आगे बढ़ते हो ना तो अगले चैलेंज के लिए आपका कॉन्फिडेंस सौ बढ़ जाता है फिर सामने कोई बड़ा चैलेंज भी आता है तो आपको लगता है कि ठीक है जब मैंने वो कर लिया था तो ये क्या चीज़ है मैं ये भी कर ही लूँगा और जब आप ये सोचते हो ना कि मैं ये भी कर ही लूँगा तो फिर आप कर लेते हो फिर कितनी भी दिक्कतें आएँ फिर कोई आपको रोक नहीं सकता